गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे करिकुलम। ओके, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में हम लोगों को मिला था ट्रेडिशनल और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी करिकुलम, इसके बाद बैलेंस्ड करिकुलम, बेसिक एजुकेशन करिकुलम एंड लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। तो उसके बाद हम लोग को डिफेक्ट्स कुछ मिला था कि नैरोली कंसीव, डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ, इसके बाद ओवर क्राउडेड, ये सर हम लोगों को कुछ डिफेक्ट्स मिला था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो तुम लोगों का हर एग्जाम में आने का चांस रहता है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। करिकुलम तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों को जो भी करिकुलम मिला, वो करिकुलम बनाने के लिए प्लानर्स को, मतलब जो भी करिकुलम बनाते हैं उन लोगों को करिकुलम बनाने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। ये सारा प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए, ये सारा प्रिंसिपल्स मेंटेन करके हम लोगों का क्या होता है, जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि करिकुलम में कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी टॉपिक उसमें डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब प्रिंसिपल्स क्या है वो सब देखो। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। तो जैसे कि नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, जब मतलब एजुकेशनल प्लानर जो लोग करिकुलम बनाते हैं, वो लोग करिकुलम बनाने के टाइम ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ये माइंड में रख के बनाना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस मतलब क्या है? तो यहाँ पे है कि एजुकेशन सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मतलब स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चाइल्ड मतलब वो स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया है। तो जब भी करिकुलम बनाते हैं, वो करिकुलम ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें स्टूडेंट्स का किस में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का कौन सा स्टेज है, मतलब एज के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट या टॉपिक डालते हैं, उसमें क्या अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट, वो सारा क्या होता है ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट क्या होता है करिकुलम बनाना करता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उसमें डाल दिया, मेनली फोकस करना चाहिए बच्चों पे, मतलब स्टूडेंट्स में, उसमें उन लोगों का क्या क्या नीड्स है, इंटरेस्ट है, वो सारा देख के करिकुलम बनाना चाहिए। और उनका क्या स्टेज है, मतलब कौन सा स्टेज में है बच्चा, वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा द प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, तो इसमें कोरिलेशन जो बोला गया, मतलब यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारा एक्सपीरियंस, मेन हम लोग का एम क्या होता है कि तुम लोग को मतलब नया नया एक्सपीरियंस मिले, नॉलेज मिले। तो वो कैसे मिलेगा, जब एक कोरिलेशन रहेगा करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज में। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो या करिकुलम और को करिकुलर में बीच क्या होना चाहिए, एक कोरिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि को करिकुलर मतलब कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज जो होता है, क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अलग सिखाया जा रहा है और करिकुलम में कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलम में एक कोरिलेशन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, तब क्या होगा, दोनों मिलके स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो और ज्यादा मिलेगा उन लोगों को, ठीक है, नया नया एक्सपीरियंस और मिलेगा। इसलिए बोला गया जब करिकुलम बनाया जाता है तब ये प्रिंसिपल्स भी ध्यान में रख के बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ
कम्युनिटी सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। तो उसमें ये क्या बोला गया है कि जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी थी, पॉइंट नंबर वन में एजुकेशन सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे। तो वही स्टूडेंट फ्यूचर में जाके क्या होगा, सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, ठीक है। उस सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेना पड़ेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन उस सोसाइटी में उस बच्चों को देना पड़ेगा। इसीलिए स्कूल या करिकुलम ऐसा एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो लोग क्या कर पाए, खुद को मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाए और फ्यूचर में जाके एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए, जो क्या करेगा सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, एक रेस्पॉन्सिबल बेटर सिटीजनशिप बना, सिटीजन बनाना करिकुलम में क्या होता है, उसका एक रोल प्ले करता है। करिकुलम मतलब जो जो सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो या जो भी तुम लोग एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, तुम लोग का पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होना चाहिए कि फ्यूचर में जाके तुम लोग एक मतलब सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो और खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दो, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। क्योंकि एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम है सोसाइटी का डेवलपमेंट। सोसाइटी का डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर पाएंगे, एजुकेशन से। इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन ऐसा देना चाहिए कि फ्यूचर में जाके वो स्टूडेंट्स एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और खुद का कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी या सोसाइटी को दे, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें बोला गया कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। मतलब सोसाइटी या पूरा वर्ल्ड के चेंजेस के साथ साथ टाइम टू टाइम उसको करिकुलम को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि करिकुलम जो है वो ही सालों तक चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इट शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ सोसाइटी वर्ल्ड। ओके, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई रिजिड या स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होना नहीं चाहिए कि ये इतने टाइम तक यही रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, गया कि जब करिकुलम बनाते हैं करिकुलम प्लानर्स को ये पॉइंट भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि ये जो करिकुलम है ये यूजफुल हो, ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाके इससे मतलब जो भी सीख रहे हैं आज, मतलब जो भी एजुकेशन उनको मिल रहा है, ये ऐसा होना चाहिए कि उसका कुछ यूज हो, फ्यूचर में कुछ कर पाए, मतलब कुछ प्रोडक्टिव कुछ कर पाए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। इसमें वर्क एक्सपीरियंस या कोई भी एक्टिविटीज इसमें होना चाहिए, ताकि ये जो है कुछ यूटिलिटी इसका रहे, ठीक है। तो इसमें बोला गया मेनली टेक्निकल या वोकेशनल कुछ ऐसा कोर्सेज भी ऐड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर पाए फ्यूचर में एज ए वोकेशन ये चूज कर पाए, और ये जो 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 भी सीख रहे हैं आजकल, तुम लोग जो भी बुकिश नॉलेज सीख रहे हो, थ्योरेटिकल जो भी सीख रहे हो, इतना भी उसका क्या नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर करिकुलम में कुछ वोकेशनल कोर्सेस या टेक्निकल कुछ कोर्सेस उसमें दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, तब क्या होगा, तुम लोग फ्यूचर में जाके उससे कुछ कर पाओगे, वोकेशन कुछ चूज कर पाओगे, खुद का डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि जब करिकुलम बनाते हैं मेनली ये पॉइंट ध्यान देना चाहिए कि वो मतलब यूजफुल है, उसका कुछ यूटिलिटी होना चाहिए फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर का सोचना चाहिए, ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप,
ट्रेनिंग फॉर ब्लेजर। तो इसमें बोला गया है कि ये जो प्रिंसिपल है, जब करिकुलम बनाते हैं करिकुलम प्लानर्स को ये पॉइंट इंपॉर्टेंस इसमें देना चाहिए कि तुम लोगों का जो लेजर टाइम होता है, जो भी ब्रेक टाइम होता है, वो यूजफुल हो, कुछ प्रोडक्टिव कुछ कर पाओ। इसीलिए कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड करने के बारे में इसमें बोला गया है, ठीक है, कि तुम लोगों का जो भी ब्रेक टाइम है, लेजर टाइम है, वो वैसे वेस्ट ना हो, यूजफुल कुछ कर पाओ, जिससे तुम लोगों का डेवलपमेंट होता है, कुछ फ्यूचर में उसका यूज हो सके, ऐसा कुछ एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो इसमें बोला गया कि तुम लोगों का जो क्रिएटिव पावर है या जो भी क्रिएटिविटी है, उसको प्रॉपर तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि उसका और भी डेवलपमेंट हो। तुम लोगों का जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी कैपेसिटीज है, उसको डेवलप करने के लिए स्कोप होना चाहिए करिकुलम में। जैसे कि हम लोगों का ट्रेडिशनल करिकुलम में क्या होता है, सिर्फ थ्योरिटिकल नॉलेज दिया जाता है। इसमें हम लोगों को सिर्फ तुम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट का या मेंटल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तो सिर्फ ये काफी नहीं है, करिकुलम में ऐसा कुछ कोर्सेज या ऐसा कुछ स्कोप होना चाहिए जिससे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का किस में कैपेसिटी ज्यादा, कैपेबिलिटी ज्यादा है, कौन क्रिएटिव है, क्या कुछ कर पाओगे फ्यूचर में। ये सारा हम लोगों को जानने के लिए करिकुलम में मेनली क्या होना चाहिए, क्रिएटिव पावर डेवलपमेंट का कुछ स्कोप होना चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल करिकुलम में नहीं होते हैं। इसलिए बोला गया करिकुलम प्लानर्स को ये पॉइंट माइंड में रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिव पावर है उसको डेवलप करने के लिए उन लोगों को एनफ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि जिसका जो भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पावर है, वो डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये सर हम लोगों को मिला प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट मिला प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। इसमें बोला गया करिकुलम बनाने के टाइम में मेन इंपॉर्टेंस देना चाहिए चाइल्ड को या स्टूडेंट्स को, उन लोगों का क्या क्या नीड्स है, इंटरेस्ट है, एस्पिरेशन है, वो सारा देख के करिकुलम बनाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कोरिलेशन होना चाहिए, करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज में कोरिलेशन होना चाहिए, ताकि तुम लोग समझने में मतलब इजी हो। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट में तुम मतलब कोई रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं है, तो तुम लोग लिंक नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला गया कि हर सब्जेक्ट में थोड़ा रिलेशन होना चाहिए, करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज में रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। इसमें बोला गया कि अब तुम लोग स्टूडेंट हो, फ्यूचर में जाके सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देना है, ताकि तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। इसीलिए करिकुलम बनाने के टाइम में ऐसा स्कोप होना चाहिए उसमें कि इसमें क्या हो, कम्युनिटी को या सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बच्चों को अभी से कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम के साथ साथ सोसाइटी चेंजेस होता है और उसी चेंजेस के साथ करिकुलम को भी चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब तुम लोग जो भी सीख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो लोग वो सब फ्यूचर में जाके हेल्प हो, ऐसा कोर्सेस इसमें इंक्लूड होना चाहिए, कुछ वोकेशनल टेक्निकल कोर्सेस इसमें इंक्लूड होना चाहिए करिकुलम में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर। तो तुम लोगों का जो भी लेजर टाइम है, ब्रेक टाइम है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, वेस्ट ना करके, जो भी ब्रेक टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए स्कोप होना चाहिए, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए करिकुलम में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो जो भी तुम लोगों का क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिविटी जो भी है, उसको डेवलप करने के लिए भी स्कोप होना चाहिए करिकुलम में। और ये सारा पॉइंट ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं कल क्या पढ़ाई थी, बैलेंस्ड करिकुलम, करिकुलम का एक टाइप है, उसमें हम लोग को मिला कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का सारा पॉइंट ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम बनाया जाता है वो है बैलेंस्ड करिकुलम। तो बैलेंस्ड करिकुलम ये है जिस करिकुलम में ये सारा प्रिंसिपल्स
ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ सेंटर्ड और बैलेंस्ड करिकुलम। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए, कोई भी एग्जाम फाइनल्स हो या कोई भी कॉलेज का टेस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना और कुछ भी कंफ्यूजन होने से तुम लोग बोलना। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स तक ही आज है। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा को करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी एक इम्पोर्टेंट टाइप इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम लोगों को मिलेगा को करिकुलर एक्टिविटीज का मीनिंग, उसका क्या क्या टाइप्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों इंक्लूड करना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग पूछना। ओके, थैंक यू।